उत्तरी कैरोलिना 4000 फुट की उचाई से उड़ रहे जहाज में अचानक तकनीकी खराबी आने तो बाद पायलट ने जाता जहाज को छाल मार दी ज डिगया तो उसकी मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार को अमरीका के उत्तरी कैरोलिना में वापरिया है। हैरानी की गल यह रही है कि इस जहाज में सवार को पायलट ने बाद में जहाज की एमरजेंसी लैंडिंग करवाई तो उसको मामूली सट्टा ही लगिया। पायलट चार्ल्स ह्यूग क्रूक्स की लाश उदो मिली जो एक व्यक्ति ने अपने वेहड़े में कुछ डिगन की आवाज़ सुन के अधिकारियों इस संबंधी सूचित किया। मौके पर पुजी पुलिस ने जदों छानबीन की तो चार्ल्स की लाश बरामद हुई। मीडिया रिपोर्टों मुताबिक चार्ल्स एक छोटा जहाज उड़ा रहा है जिस विच 10 लोग बैठ सकते हैं पर इस विच कोई यात्री नहीं सी। चार्ल्स के नाल सिर्फ एक को पायलट से उड़ान दौरान लैंडिंग गेयर खराब हो गया। माना जा रहा है कि हो सकता है कि जहाज में पे नुक्स को ठीक करते हुए वह जहाज तो डिग गया हो या फिर उसने छाल मार दी हो। हालांकि उसने पैराशूट नहीं पाया हुआ सी। हुण चार्ल्स की मौत का रहस्य होर भी गर्मा गया है।